सैनिकपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में गोवर्धन नाम का एक व्यापारी था। उसकी एक माचिस की फैक्ट्री थी। एक दिन गोवर्धन अपने फैक्ट्री के कर्मचारियों से, देखिए हमारी माचिस हर घर में इस्तेमाल होनी चाहिए। हर तीली को ऐसे बनाओ जिससे कि उससे बढ़िया आग निकले। मार्केट में दूसरे माचिस की तीलियों से ज्यादा आग निकलनी चाहिए। रोज हमारी माचिस को जलाते हुए उनको दिवाली याद आनी चाहिए, कहकर वहाँ से निकल जाता है। अंदर उसके मैनेजर के साथ, क्या भाई सुना है मार्केट में नया माचिस आया है, जलाने पर बढ़िया सी सुगंध भी आती है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सर, मैंने भी ऐसा ही सुना है, इस माचिस का बहुत डिमांड है सर। तो एक काम करो, उन सारे माचिस को होलसेल व्यापारी से खरीद लो और हमारे माचिस के डिब्बों में भर के बेच दो। मैनेजर बाहर निकलकर, अरे बाप रे, ये ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं है, सोचते हुए वहां से निकल जाता है। एक बार चेतन नाम का आदमी जीप में गांव के बीच पहुंचा। गांव वासियों, नए जीओ के अनुसार तुम्हारे गांव को नए चुनावी क्षेत्र घोषित किया गया है। जल्द ही चुनाव रखने का निर्णय भी किया है, तो तुम्हें अपना ही नायक चुनना होगा। ये सुन के गोवर्धन, अरे वाह, अगर मैं अपने गांव का नायक बन जाऊं तो मेरे मैचिस की फैक्ट्री का कोई तोल नहीं होगा। खेत, जमीन, सब कुछ मेरा ही होगा। उस शाम को गोवर्धन चेतन से मिलके, साहब मैं इस गांव के जिला परिषद प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ साहब, आप मदद करोगे तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। एक काम कीजिए, ये इलेक्शन वेलेक्शन छोड़कर मैं जैसे कहता हूँ वैसे करिए, आप प्रेसिडेंट बन जाओगे। अरे बन जाना छोड़ो, मान लो आप बन गए बस। ये सुनकर गोवर्धन बहुत खुश होता है। वाह वाह, बस मुझे भी यही चाहिए। लेकिन मैं अगर चुनाव में हार गया तो? अरे चुनाव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, अंत पे नतीजा तो मैं ही घोषित करूंगा ना। प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो भी लड़ने आएगा उनको मैं पोस्ट दूंगा ही नहीं, लेकिन मेरे ऐसे करने के लिए मुझे 50 चाहिए। अरे 50 क्या साहब, मेरा नाम आप अनाउंस करोगे तो 100 दे दूंगा, कहकर पैसों से भरा हुआ एक बैग उसे दे देता है। अगले दिन गोवर्धन एक मैचिस के आकार वाले कार में गली गली घूमने लगता है। गोवर्धन एक जगह उस कार को रोककर, दादाजी इस बार इलेक्शन में मुझे ही वोट दीजिए, माचिस की निशानी को ही वोट देना। बहुत मजेदार गाड़ी में घूम रहे हो पोते, वैसे क्या करोगे अगर तुम्हें वोट डालूं तो? उसके जवाब में गोवर्धन, मुझे वोट डाला तो आपके घर के लिए माचिस फ्री दूंगा। और मुझे क्या दोगे पोते? माचिस की तीलियां दूंगा, रोज उन्हें जलाकर दिवाली मनाना, एंजॉय, कहकर वहां से निकल जाता है। गांव में सभी गोवर्धन के कारनामों से बहुत परेशान हो गए थे। एक बंदा, ये गोवर्धन दिन ब दिन पागल होते जा रहा है, उसको बिल्कुल वोट मत देना। तो फिर हम में से किसी एक को नायक बनना ही पड़ेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको बिल्कुल वोट मत देना। हम लोग आपस में ही एक नायक को चुनकर सभी उसी को वोट डालेंगे। ऐसे आलोचना करते हुए श्यामलाल को अपना नायक चुनते हैं। अगले दिन श्यामलाल और गांव के बड़े बुजुर्ग चेतन से मिलने जाते हैं। साहब इस बार गांव की तरफ से मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ। तुम तो बहुत मोटे हो, यू आर अनफिट। अरे मेरे वजन का चुनाव में भाग लेने से क्या लेना देना? नए रूल्स आए हैं, नए रूल्स के अनुसार फिजिकल फिटनेस जरूरी है, कम से कम 6 पैक होना चाहिए, तुम्हारी तरह फैमिली पैक नहीं। ठीक है मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। सॉरी दादाजी, एज लिमिट है। चलो छोड़ो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, 6 पैक है मेरा, मैं लड़ूंगा। सॉरी भाई, हाइट कम है तुम्हारा, कम से कम 6 फुट का होना चाहिए तुम्हें। वैसे जो भी आता उनको कोई ना कोई कारण देकर वहाँ से भेज देता। ऐसे में चुनाव आ गया, गांव वालों के पास गोवर्धन को वोट देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन चेतन आकर, इस चुनाव में गोवर्धन ने जीत हासिल किया है, कहकर घोषणा करता है। ये सुनकर गोवर्धन, याहू, मैं इस गांव का जिला परिषद प्रेसिडेंट बन गया हूँ, कहकर खुद के नाचने लगता है। थोड़े दिनों बाद वहाँ एक पुलिस जीप आती है।
पुलिस गांव में बंदोबस्त करने लगती है और वहां गोवर्धन आकर, हे पुलिस क्या कर रहा है यहाँ पे? तू कौन होता है बे मेरे से पूछने वाला? मैं कौन हूँ? अबे मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ। क्या प्रेसिडेंट इस गांव का? कब बना और किसने बनाया? अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, 100% वोट हासिल करके चुनाव को जीता है मैंने। ऐसा ही चौंक जाता है, ये चुनाव कब हुआ और तुम कैसे जीते? What nonsense? अरे ये क्या, इस गांव को एक सेपरेट चुनावी क्षेत्र बनाया गया था ना? अरे एक और बात बोला ना तो बहुत लात पड़ेगी तुम्हें। ये गांव चुनावी क्षेत्र कब से बन गया भाई, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? कहकर हड़काता है। ओए तुम इससे बात कर, गांव की जनता ने मुझे चुना है इसीलिए मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, कहकर एसआई से बहस करने लगता है। ये कोई पागल कहीं का लगता है, मारो पकड़ के इसको, कहकर एसआई और हवलदार उसको खूब पीटते हैं। अगले दिन पूरी जानकारी पता करके गोवर्धन, हे राम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, कहकर दुखी होता है। रघुनंदन नामक रसोई एक दिन उनके मालिक के पास आके, साहब जी आज खाने में क्या बनाऊं? क्या रे इतने सालों से मेरे पास काम कर रहा है, जल्दी रिटायर भी होने वाला है, अभी तक मेरे पसंद और नापसंद के बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम है? जाकर भिंडी फ्राई बना। रसोई में आके रघुनंदन, ये मालिक भी अजीब पागल है, उनके पसंद और नापसंद मुझे कैसे मालूम होंगे? हर दिन अलग अलग खाना बनाने को बोलते हैं, एक दिन चिकन पूछता है तो दूसरे दिन तरकारी बनाने के लिए बोलता है। तुझे भिंडी फ्राई नहीं करोना फ्राई करोना 65 बनाना चाहिए, वैसे भी मैं कल रिटायर होने वाला हूँ, मुझे इस झंझट से क्या लेना देना है? समझते हुए खाना बनाना शुरू किया। दूसरे दिन रघुनंदन जमींदार के पास आके, साहब जी इतने साल आपके पास काम किया, अब बूढ़ा भी हो गया हूँ इसलिए रिटायर होना चाहता हूँ। 25 साल रसोईया के जैसे मेरे पास ट्रेनिंग हुए हो, पर मेरा सर हमेशा झुका के रखा, अब मेरा सर ऊंचा करने जैसा रसोईया ढूंढो। सर ऊंचा करने वाला रसोईया चाहिए? हाँ ठीक है, मगर आपको उसे कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। 1 साल का क्या, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, पर वो आदमी सर ऊंचा करना चाहिए। हाँ हाँ वैसे ही आदमी कोई भेजूंगा साहब जी, कहकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन रघुनंदन एक 12 फुट का रसोई के साथ वहाँ आया। कौन है ये, टीवी टावर के जैसा इतना ऊंचा है? आप ही कहे थे ना साहब सर ऊंचा करने वाला चाहिए, यही है वो आदमी, मेड इन इंडिया स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कतरीना है। कतरीना ये क्या नाम है, ये तो औरत का नाम है ना? मेरा पिताजी को कतरीना बहुत पसंद है इसलिए मेरा नाम कतरीना रखा। ठीक है खाना ठीक से बनाना, कहकर चला गया। उस शाम को जमींदार स्विमिंग करने स्विमिंग पूल के पास आया। स्विमिंग पूल में पानी नहीं रहकर देख के रसोई से, कतरीना ये स्विमिंग पूल का पानी कहाँ गया? इससे थोड़ी देर पहले ही मुझे प्यास लगी तो पी गया साहब जी। क्या प्यास लगी तो पूरा पानी पी गया? हे भगवान ये क्या आदमी है रे, समझकर। ठीक है जाकर कॉफी लेकर आ। कौन सा कॉफी चाहिए साहब जी, फिल्टर कॉफी, शुगरलेस कॉफी या ब्रू कॉफी? अरे वो पागल कुछ ना कुछ बना के लेके आ रे, कहकर चला गया। कतरीना कॉफी ले आके, कहाँ रखूं सर जी? मैं तुझे मार डालूंगा रे, कहीं तो रख के चला जा। तब कतरीना कॉफी बिल्डिंग के ऊपर रख के चला गया। थोड़ी देर के बाद जमींदार कतरीना से, क्यों रे कॉफी कहाँ रखा? हाँ सर जी बिल्डिंग के ऊपर रखा, जाकर लीजिए। क्या रे तुझे आसान है इसलिए बिल्डिंग के ऊपर रखा, अब मैं कॉफी पीने उतना ऊपर चढ़कर जाऊं, कहकर चिल्लाया। एक दिन जमींदार, अरे रे धूप बहुत ज्यादा है, धूप से मेरी जान जा रही है, अरे कतरीना थोड़ा पानी लेकर आना। तब कतरीना एक घड़ा पानी ले आया। ये क्या है रे, प्यास लगी तो कोई भी ग्लास में पानी ले आएगा, तू तो घड़े में पानी ला रहा है। मुझे ये घड़ा ही ग्लास के बराबर है सब जी, मेरे हाथ बड़े है ना इसीलिए ऐसे ले आया। तब जमींदार गुस्से से, क्या रे मैं अगर पानी पूछा तो घड़ा लेकर आता है, कॉफी पूछा तो बिल्डिंग के ऊपर रखता है, तुझे अगर प्यास लगी तो स्विमिंग पूल का पूरा पानी पी जाता है, नहीं रे बाबा नहीं,
तू और नहीं चाहिए, तू काम छोड़ दे। जब मैं यहाँ आया हूँ तब आपने मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है सर जी, मुझे और 11 महीने का तनख्वाह दीजिए तो मैं चला जाऊँगा। वैसे जमींदार उसको 11 महीने के पैसे देकर उससे छुटकारा पाया।